हाय एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस माय नेम इज सारा आज की वीडियो गाइस जू और लीखों से रिलेटेड होने वाली है मेरे पास बहुत 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 सारे कमेंट्स आते हैं इस वीडियो से रिलेटेड जब भी गर्मी आती है ना लाइक बच्चों का जो सर का हाल है ना वो बहुत खराब हो जाता है स्पेशली किन लोगों को सबसे ज्यादा जो है वो जूए पड़ती है स्पेशली जो फीमेल्स गर्ल्स होती है लाइक जो बच्चियां होती हैं उनको पड़ती है किस वजह से क्योंकि उनके अंदर अपनी फ्रेंड्स के साथ या फिर कजन के साथ अटैचमेंट ज्यादा होती है एक जुड़ जुड़ के रहते हैं तो जुड़ जुड़ के रहने की वजह से एक दूसरे के ऊपर सर से जुए ट्रांसफर हो जाती है ठीक है बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे एजुकेट से रिलेटेड भी आपके बच्चे के दिमाग को डिस्टर्ब करती है साथ में जुओं से क्या होता है खारिश हो सकती है या फिर कोई इंफेक्शन वगैरह भी हो सकता है और आ, काफी सारी ऐसी चीजें होती है जुओं से जिससे बच्चे की जो लाइफ होती है वो काफी डिस्टर्ब होती है चाहे वो नॉर्मल घर का माहौल हो या फिर एजुकेशन वाला माहौल हो अब जुओं और लिखो को प्रॉपरली कैसे खत्म किया जाए मार्केट में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती हैं ऐसे प्रोडक्ट्स ऐसे शैंपू वगैरह मिल जाते हैं जो कि जुओं को खत्म करते हैं अच्छा गाइस मेरे पास एक कमेंट था कि मैं जुओं के शैंपू के ऊपर वीडियो बनाऊं तो गाइस ये जो शैंपू है मेरे पास दो टाइप के शैंपू है जिसके अंदर आपको लाइज गार्ड कंपनी का भी है और इंग्लिश एंटीलाइज शैंपू भी है इंग्लिश एंटीलाइज शैंपू तो लाइक मैं बचपन से लाइक बचपन से यूज कर रही हूँ अगर से मैं बात करूँ इसके बेनिफिट की तो गाइस इस प्रोडक्ट के अंदर आपको ये फायदा मिलता है कि इससे आपकी जुएं खत्म हो जाती है पर लीखों को खत्म करना इतना ज्यादा आसान होता अगर आप शैंपू भी लगाते हो तो लिखे जो पक्की वाली लिखे होती है लाइक जिसके अंदर से जान खत्म हो लीखे होती है ना वो बालों से चिपकी होती है वो आसानी से नहीं निकलती है अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शैंपू पे लिख दिया गया है कि ये लिखो और मुकम्मल आपका खात्मा कर सकता है तो ऐसा नहीं हो सकता आप शैंपू को यूज कर सकते हो जैसे कि आप अगर जुएं होती है तो आप शैंपू को गर्मियों में दो बार हफ्ते में जरूर यूज करो क्योंकि इस शैंपू से आपको एक फायदा मिलता है ये इसमें कंडीशनर का काम भी करता है आपके सर के अंदर अंदर और साथ में जिसके इन्होंने दो इंग्रेडिएंट लिखे हैं वो तो बहुत अमेजिंग है जिसमें सबसे पहले एलोवेरा जेल है एलोवेरा जेल आपके बालों को स्मूदर भी बनाती है और जुओं को किल भी करती है अगर चाहे आप नॉर्मली एलोवेरा जेल लगाओगे एलोवेरा जेल का मास्क वगैरह यूज करोगे तो आपको जुए नहीं हुआ करेंगी साथ में एलोवेरा जेल आपके बालों को स्ट्रेंथ देती है और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल अगर चाहे आप

बालों को बूस्टर देता है रिपेयर करता है ठीक है तो ये दो इंग्रेडिएंट है बाकी ओवरऑल इस शैंपू में लाइक इस के इतने ज्यादा खास बेनिफिट्स नहीं है लेकिन इससे आप जुओं को खत्म कर सकते हो ठीक है लीखे खत्म नहीं होती है हो, सोल्यूशन तो उसके लिए मैंने एक डिवाइस के ऊपर रिव्यू किया है अगर आप उसको देखोगे तो वो आपकी लाइफ टाइम का सुकून होने वाला है आई बटन पे लगा रही हूँ जरूर चेकआउट करना उस रिव्यू को देखना रिव्यू के बाद आप खुद सेटिस्फाई हो जाओगे और आपको यकीन हो जाएगा कि यस अगर चाहे आपके पास ये हो तो आपका जो जुओं का मसला है वो हल हो जाएगा क्योंकि गर्मी आ रही है और गर्मियों में जिस तरह से जुए बच्चों के सर में पड़ती है लाइक खुजा खुजा के पागल हो जाते हैं और गर्मियों में सबसे ज्यादा पसीनों की वजह से और जुआ का सब यही होता है या तो किसी से चढ़ जाती है और घर में किसी एक को हो जाए तो फिर वो सबको होती है क्योंकि जाहिर सी बात है सब साथ रहते हैं लेटते हैं बैठते हैं एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं या माँ और बच्चे के साथ वैसी क्लोजमेंट होती है तो कुछ इस तरीके से होता है और दूसरी बात यह कि पसीनों से बहुत जुएं बनती हैं और आगे गर्मियां आ जाएंगी फिर स्कूल और फिर ट्यूशन वगैरह इन सब चीजों से बच्चों को काफी हद तक के ऊपर जो है वो जुओं बनने का होता है तो इसको अगर आप रोकना चाहते हो तो सबसे पहले जुओं को कंप्लीटली खत्म करो खत्म करने के बाद जो है वो आप केयर कर सकते हो ताकि आगे फ्यूचर में आपके बच्चे को जुए ना हो तो अगर शैंपू की बात करूं तो शैंपू ओवरऑल आपको पांच रुपए में मिल जाता है बट इसकी जो क्वांटिटी है ना अंदर वो बहुत बहुत कम है लाइक आप सिर्फ अपने बच्चे के छोटे लाइक स्मॉल बालों के ऊपर लगा सकते हो जो शोल्डर तक होते हैं बल्कि वो भी कम पड़ने वाला है आप दो या तीन सा होगी कि ऑलमोस्ट बहुत कम है नॉर्मल रेगुलर शैम्पू आपने यूज नहीं करना अगर चाहे आपके बच्चे को जुए तो आप इसी से यूज करके जुओं को खत्म कर सकते हो बिना विदाउट कंगी के क्योंकि जुए इससे लाइक जब आप शैंपू करते हो ना तो जुए बाल धोते हुए भी गिर रही होती है और मर जाती है और जुओं को मार कर ही आप छोड़ा करें क्योंकि जिंदा आप छोड़ देते हो फिर वो जुए आई डोंट नो कई कौन सी आ, इसको मिथ बोल सकते है कुछ भी बोल सकते हैं बट कहते हैं जुओं को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए अदरवाइज वो फिर से हो जाती है बट कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जितना हम जुओं को मारते हैं उतने जम्स बनने से वो डबल 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 जुए बनती है तो अब कौन सी मैथ सही है कौन सी नहीं ये मुझे नहीं मालूम है लेकिन दोनों मैथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दियाऑल शैम्पू के मैंने आपको बता दिए कि आप साइड बेनिफिटेक्ट कोई नहीं अच्छा शैम्पू है ठीक है बाकी जुओं को निकालता है लेकिन लीखों को नहीं निकालता तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और हर बंदा परमानेंट सोल्यूशन की तरफ ही जाता है तो मैंने आपको बता दिया आई बटन आपके लिए लगाया है जाकर देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी वो चेकआउट कर लेना गेस यूज करने का तरीका ना इसका बहुत सिंपल है जैसे आप नॉर्मल शैम्पू करते हो सेम टू सेम वैसे ही शैम्पू करना है पांच मिनट तक अपने सरपेस को लगा रहने देख ना है और उसके बाद आपने नॉर्मल पानी से अपने सर को वॉश कर लेना है में ना चली जाए तो इसीलिए एहतियात करने के लिए बच्चे को आप कि वो चुप रहे उसके बाद पांच मिनट पे जब हो जाए गुजर जाए तो निकाल दीजिएगा क्योंकि जैसे ही आप लगाओगे तो उससे खारिश होती है लाइक मैंने पूरे बचपन में जब मैं स्कूल लाइफ में पढ़ती थी और पूरा बचपन मैंने इंग्लिश एंटिलाइज टेम्पो यूज किया है तो साइड इफेक्ट वगैरह कोई नहीं होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी तक बाल बहुत अच्छे हैं तो साइड इफेक्ट्स इसकी कोई नहीं है कंडीशनर का, का काम करता है और आपके बालों को स्ट्रेंथ भी देगा बिकॉज वो अपने शैम्पू से रिलेटेड काफी अच्छी चीजें लिखते हुए तो वो शैम्पू असल में अच्छा भी है ठीक है ओवरऑल लिखों के लिए भी सोल्यूशन बता दिया है और इस्तेमाल का तरीका भी ओवरऑल वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोगों के छोटे छोटे सोल्यूशन के हाल निकालने की ही कोशिश करती हूँ और मैं यही ट्राई करती हूँ आप लोगों के लिए अच्छी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाऊ ताकि आप लोगों की हेल्प हो और मुझे ऐसा लगे कि मेरी वीडियो की जो मेहनत थी वो वसूल हो गई ठीक है लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन प्रेस कर देना आप मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज